हेलो माय फ्रेंड्स, मैं पायल और आपका स्वागत है कुक विद पायल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डबल हार्ट शेप का एनिवर्सरी केक। तो बिल्कुल इस लॉकडाउन में अगर आपकी एनिवर्सरी है तो बिल्कुल इस डिज़ाइन से आप अपनी एनिवर्सरी केक को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और मेरे केक डिज़ाइन पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद पायल। और आज हम बनाएंगे एनिवर्सरी केक। तो यहाँ पे मैंने दो केक हार्ट शेप के बेक करके रखा हुआ है। ये हमारा वेनिला फ्लेवर है जो कॉमन केक बैटर है, और बिल्कुल मैंने केक बैटर रेसिपी आप लोगों से शेयर की हुई है, आप वो मेरा देख सकते हैं। और इसको मैंने एक थ्रेड की मदद से दो भाग में डिवाइड कर लिया है। और अब हम इस पर लगाएंगे क्रीम, व्हिप क्रीम, काफ़ी अच्छे से हम कोट करेंगे। और यहाँ पे मैं डबल हार्ट बना रही हूँ, तो मैंने एक बिग साइज़ का केक और एक छोटे साइज़ का केक दोनों ही बेक किया हुआ है। थोड़ा सा हम लगाएंगे क्रश, मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश लगाया है। अगेन उसके ऊपर हम क्रीम का लेयर लगाएंगे, और हमने जो दो भाग में डिवाइड किया था तो दूसरा लेयर हम अपने केक का लगा देंगे। और इसको हम कर देंगे क्रम्बल कोटिंग काफ़ी अच्छे से चारों ओर से। इसे कोट करने के बाद हम इसे रख देंगे हाफ आवर के लिए फ्रिज में, ताकि ये हमारा जो है केक सेट हो जाए। चलिए, एक हमारा जो बिग साइज वाला केक है वो कोट हो चुका है। अब हम अपने जो छोटे वाले केक है उसको भी बिल्कुल सेम मेथड से कवर कर लेते हैं क्रीम से। तो यहाँ पे इसको भी हम थ्रेड के हेल्प से दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो किसी का हेल्प ले लें, ऊपर से थोड़ा सा हाथ रखवा दें किसी का, तो ये बहुत ही इजीली थ्रेड की मदद से आपका कट जाएगा। बिल्कुल नाइफ से भी अच्छा ये बिल्कुल कटता है, और बिल्कुल एक लेयर में कटता है बराबर से। तो ये मेथड आप ज़रूर ट्राई करिएगा केक को कट करने के लिए। नाइफ से कभी कभी हम लोगों का जो केक है वो ऊंचा नीचा कट जाता है, अनइवन सा कट जाता है, पर थ्रेड की हेल्प से बिल्कुल इवनली कटता है। और हम बिल्कुल सेम मेथड से क्रीम और ब्रश की लेयर लगा चुके हैं। इसको ऊपर से कोट कर लेंगे हम, और इसे भी हम रख देंगे हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में। उसके बाद हम इसमें अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, और बहुत ही अच्छा भी लगता है। अगर आप घर में केक बना रहे हैं अपनी एनिवर्सरी का तो बहुत ही इजीली आप ये बना सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। तो चलिए, हमारा केक हो गया है, हाफ आवर के लिए मैंने रख दिया था। इसे हम किनारे से इस तरीके से मैट वाली पाइपिंग से मैं इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ, और मैट डिज़ाइन मैं बनाऊँगी। तो हाफ एरिया में मैं मैट डिज़ाइन बनाऊँगी। पहले मैंने ऊपर और नीचे दोनों कॉर्नर्स को डिज़ाइन कर लिया है। ऊपर से हम इसे मैट वाले डिज़ाइन देंगे इस तरीके से, एक ऊपर एक नीचे करके। बहुत ही ईजली हो जाता है ये, और बहुत ही फटाफट से भी बन जाता है। तो एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से करके आप मैट डिज़ाइन बना लीजिए। और इस तरीके से हमने इसे क्लियर कर दिया है इसके एजेस को। सेम इसी डिज़ाइन को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं आपको ऊपर मैट वाला डिज़ाइन आपको फिर से दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से कि मैट डिज़ाइन आपको कैसे करना है। एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से आप करते हुए एक चटाई सा, जाल सा आप इसमें बना लीजिए, और देखने में ये मैट डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, इस तरीके से बहुत ही सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने पहले बीच में मैट डिज़ाइन बना लिया है। इसके कॉर्नर्स को मैं बिल्कुल सेम इसी पाइप एंड बैग से डिज़ाइन कर लूँगी। मैंने यहाँ पे लाइट पर्पल कलर यूज़ किया हुआ है, आप अपना मनचाहा कलर यूज़ कर सकते हैं। और इसके कॉर्नर को भी हम इस तरीके से क्लीन कर लेंगे ऊपर नीचे दोनों से। अब हम रोज़ बना रहे हैं, वाइट कलर के
व्हिप क्रीम से मैंने यहाँ पे रोज़ वाले कोन से यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप में थोड़ा सा बाहर की ओर घुमाते हुए आप रोज़ बना लीजिए। पहले बीच में थोड़ा सा लेयर लगा के फिर किनारियों को इस तरीके से उठाते हुए आप कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे कुछ स्प्रे कलर से इसको कलर कर लिया है, रेड एंड येलो से, और इसे हम लगा लेते हैं कैची की हेल्प से और फोक की हेल्प से इसे हम केक पे डाल लेते हैं। बहुत ही ईजी है। तो एक बार अगर आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप फटाफट से इस तरीके से रोज़ भी बना लेंगे और केक की डिज़ाइन भी कर लेंगे। इसे हम सर से पर्पल कलर से मैंने किया है इसमें, और थोड़ा बीच में येलो। तो लीजिए हमारा एक केक रेडी हो गया है। अब हम अपना बड़ा वाला केक भी इसी तरीके से कर लेते हैं और बीच में हम लगा लेंगे थोड़ा सा चेरी, इससे हमारे केक की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगेन हम एक रोज़ बनाएंगे अपने बिग वाले केक पे रखने के लिए। ये इस तरीके से आप बाहर की ओर इस तरीके से उठा उठा के रोज़ बनाते जाइए। उसके बाद आप इसे स्प्रे कलर से स्प्रे कर दीजिए और कैची की हेल्प से उठाकर इसे केक के ऊपर रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे डबल लेयर बना रही हूँ, तो इस तरीके से कुछ स्टैंड्स आते हैं डबल लेयर केक के लिए इस तरीके के। तो यहाँ पे मैं ये 3 स्टैंड्स यूज़ कर रही हूँ और इसे हम इस तरीके से इसे दबा देंगे थोड़ा सा केक में अंदर की ओर, और बीच में टूथपिक लगा के इसे सिक्योर कर देंगे कि आपका केक जो है वो बिल्कुल भी गिरे ना इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टिक को मैंने लगा दिया है काफ़ी अंदर तक, आपको स्टिक ये डालनी है, और जो अगर आपका एक्स्ट्रा स्टिक है उसे आप कैची की मदद से हटा दीजिए, काट दीजिए। और जहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर था मैंने उसे थोड़ा सा शेडेड कर दिया है ताकि हमारा केक और भी खूबसूरत लगे। और इसके ऊपर हम रख देंगे अपना सेकेंड लेयर, और इसके ऊपर मैंने अपना दूसरा केक रख दिया है। और इस तरीके के एनिवर्सरी वाले हमारे स्टिक्स आते हैं जिसे डेकोरेट करने के लिए गर्ल एंड बॉय के, तो ये मेरे पास है, इसको मैंने लगा दिया है। और लीजिए हमारा एनिवर्सरी केक बनके रेडी है। और बिल्कुल आप इजी मेथड से घर पे ही इस तरीके से एनिवर्सरी केक बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। और बिल्कुल सिंपल स्टेप से आपका ये एनिवर्सरी केक रेडी है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये केक डिज़ाइन पसंद आई होगी और आप लोग ने एंजॉय किया होगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।